आज का घरेलू उपाय है साइनस के लिए। जिनको भी साइनस की प्रॉब्लम होती है, उनके नाक के आसपास, माथे में हर जगह बलगम कफ जमा रहता है और नाक बंद रहती है, जिसके कारण से उनको मुंह से सांस लेनी पड़ती है और रात को तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाती है। और कईयों का तो ऐसा होता है कि रनिंग नोज रहती है, नाक हमेशा बहती रहती है और साइनस की वजह से सर में बहुत दर्द होता है। तो मैं आज आपके लिए जो उपाय लेकर आई हूँ, ये सामने आप देख रहे हैं, ये हैं जौ। जौ नाक के रोगों में बहुत ही लाभदायक है, ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे। जौ में ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे गुण होते हैं कि जौ कफ, सूजन और पस को नष्ट करने में बहुत ही कारगर होता है। ये शायद सभी लोग नहीं जानते होंगे। साइनस के रोगियों को जौ अपने भोजन में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो में मैं कई उपयोग इसके बताऊँगी। तो जौ को आप अपने भोजन में इस्तेमाल कीजिए जिनको भी साइनस की प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे जो साइनस की प्रॉब्लम है ये आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। पहले भी साइनस के लिए एक वीडियो डाली थी, वो भी देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखिए, ये हैं जौ, जिनको इंग्लिश में बार्ले कहा जाता है। और जौ को मैंने मिक्सी में पीस लिया है। मार्केट में जो जौ का आटा मिलता है वो भी आप ले सकते हैं, पर घर में साफ़ सुथरे जौ लेकर उसको मिक्सी में अगर आप पीस कर रख लेते हैं, या फिर खट्टे जौ पिसवा कर रख लीजिए जिनको भी साइनस की प्रॉब्लम है। तो मैंने मिक्सी में पीसा है और पीस कर मैं इसको छान रही हूँ। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के जौ लेकर उसको आप अपने सामने ही चक्की में पिसवाइए, या फिर आप थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी में पीस कर इकट्ठा आटा रख सकते हैं। तो जौ का आटा वैसे भी बहुत ही फायदेमंद होता है, पर साइनस के लिए स्पेशल मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि जौ के आटे के बहुत ज़्यादा गुण हैं। तो आटे को मैंने मिक्सी में पीस लिया है, उसको छान लिया है। जो ये मोटा मोटा बच जाएगा उसको भी हम दोबारा मिक्सी के बोल में डालकर छान लेंगे, पीस लेंगे पहले और फिर छान लेंगे। तो जितना भी आटा है वो हमारा पिस जाएगा। अब देखिए, आपने क्या करना है कि आधा लेना है आपने जौ का आटा। ये देखिए, मिक्सी में मैंने पीसा तो मोटा दड़दड़ा सा पिसा है, तो ऐसा आटा होगा तो अच्छा होगा। ज़्यादा बारीक आटा मत पिसवाना, थोड़ा मोटा आटा पिसवाना आपके घर के आसपास अगर चक्की हो तो। तो देखिए, हमने क्या करना है कि आधा आटा लेना है हमने जौ का, और आधा आटा हमने लेना है इसमें गेहूं का। तो दोनों ही आटे को, गेहूं का आटा और जौ का आटा, मिला करके आपने रख लेना है और इसकी हमेशा आपको रोटी खानी है जब तक आपको साइनस की प्रॉब्लम है। वैसे इसको रेगुलर भी अगर आप खाते रहते हैं तो जौ के बहुत ही बेनिफिशियल गुण होते हैं हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के फ़ायदे के लिए। तो जौ को आप हमेशा भी खा सकते हैं, और आगे वैसे भी समर का सीज़न आ रहा है तो उसमें जौ बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो यहाँ पर आधा आटा गेहूं का और आधा आटा आपने लेना है जौ का, और इन दोनों को आप मिलाकर रख लीजिए। और जितनी रोटी आपने खानी है उसके हिसाब से डेली आटा गूंदकर आप अपने लिए रोटी बनवाइए इस आटे की। और जौ का जो, जैसे अब मोटा मोटा पार्ट हमारा बच गया था मिक्सी में और हमने उसका दोबारा आटा पीस लिया, तो उसको आप दोबारा ना पीस कर आप उसका जो मोटा मोटा दलिया बचा है उसको आप, जैसे दलिया बनाते हैं गेहूं का दलिया, तो दलिया बनाकर भी आप खा सकते हैं। जौ का दलिया, जौ को सेका नहीं जाता, जौ को ऐसे ही दलिया बनाया जाता है। तो वैसे मार्केट में पतंजलि का भी दलिया मिलता है, तो जौ का दलिया आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। किसी भी कंपनी का लीजिए, पर पतंजलि का मैंने इस्तेमाल किया है इसलिए बता रही हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जौ का आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने भोजन में इस्तेमाल कीजिए तो साइनस की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। साइनस के लिए जौ के आटे का हलवा भी बनाकर खिलाया जाता है। अगर आप हलवा खाना चाहते हो तो इसका हलवा भी आप कभी कभी बनाकर खा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।